जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी की रिपोर्टिंग व जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज हम दिल्ली के जामिया नगर में हैं और एक कार्यक्रम हुआ, आप बैनर पे देख सकते हैं कि दलित मुस्लिम यूनिटी, यहाँ पे दलित और मुस्लिम यूनिटी की बात की जा रही है। हम यहाँ के जो सर हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दलित यूनिटी मुस्लिम की बात है ये कहाँ तक ये पूरा हो पाएगा। सर देखिए, आपने पूरे प्रोग्राम में एक बात देखी होगी कि सारे जो स्पीकर्स थे उनके चेहरे पे उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना उत्साह था। वो उत्साह इसीलिए था क्योंकि ये जो दलित मुस्लिम यूनिटी संभव है, ये दोनों नेचुरल एलाई हैं, दोनों समाज को मनवादी ताकतों ने, खासतौर से बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने शोषण किया है। इनको तमाम जो शहरी सुविधाएँ हैं, जो सरकारी सुविधाएँ हैं, उनसे वंचित रखा है। मिसाल के तौर पर आप मुस्लिम और दलित बस्तियों को जाकर देख सकते हैं दिल्ली में, जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसमें 90% जो आबादी है वो मुस्लिम और दलित की है। जितनी झुग्गियाँ हैं दिल्ली में उन सारी झुग्गियों में 100% आबादी सिर्फ दो ही समुदायों की है, मुस्लिम और दलित की। तो ये जो सिचुएशन को बदलने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम साथ आएँ और राजनीतिक तौर पर अपना वोट का अधिकार हम साथ मिलकर तय करें, इस्तेमाल करें। और चूँकि AIIMIM जिसके नेतृत्व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है, वो देश पूरे देश को एक दिशा दे रहे हैं, खासतौर से दबे कुचले वर्गों को एक दिशा दे रहे हैं। तो उन्हीं से हमने शिक्षा लेकर या उन्हीं के निर्देशन में ये आज का प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है कि आज से जो सफ़र शुरू हुआ है ये ज़मीन पर असर लाएगा और आगामी चुनावों में एक दिल्ली की सियासत में बड़ा बदलाव आएगा। सर, संविधान की बात कोई भी पार्टी होती सभी संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई कर पाता है? अभी जो वर्तमान में सरकार है वो भी संविधान की बात करती है, लेकिन फिर भी इनके शासन में संविधान खतरे में है। तो आपको क्या लगता है जब ओवैसी साहब की सरकार आएगी तो संविधान कितने हद तक फॉलो होगा? देखिए, ओवैसी साहब का जो मूल मंत्र है वो संविधान है और न सिर्फ संविधान है, सारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ये वो सरकारवादी सरकार जो संविधान को नहीं मानती, जबान से तो कहती है संविधान लेकिन नियत में उनकी संविधान नहीं है। आप देखते होंगे कि जितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या वजह है कि आखिर मुस्लिम और दलित क्यों हो रही है, जबकि संविधान तो ये कहता है कि मुस्लिम या दलित या कोई भी दबा कुचला वर्ग वो सब बराबर हैं, लेकिन इनकी नज़रों में बराबर नहीं है। सारे जितनी सत्ता का जो भी केंद्र है, चाहे मीडिया हो, चाहे बिजनेस हाउसेज हों, चाहे जुडिशरी हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मुकन्ना यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब में मनुवादियों का कब्जा है और वो संविधान सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए। सच्चाई ये है कि वो संविधान विरोधी हैं और इस जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, इसकी तो पूरी कोशिश है कि संविधान बदल दिया जाए। तो आज ये जो दो तबकों की मजबूरी, ज़रूरत और इनकी इच्छा है कि संविधान भी बचे और संविधान का राज हो, और देखिए लोकतंत्र व्यवस्था है दिल्ली में, हिंदुस्तान में, तो इसमें बहुत ही हमारे लिए अच्छा मौका है कि अगर हम एक साथ होकर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हम एक आगामी चुनावों में एक अच्छा सर अच्छे रिजल्ट लाएंगे। जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हम सत्ता में हमारी भागीदारी होगी, जब भागीदारी होगी तो हम अपने हिसाब से पॉलिसीज बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें लगभग आ पाएंगी अगर दलित मुस्लिम यूनिटी होती है? क्योंकि दलितों में भी कई सारी पार्टियाँ आ गई है, अनगिनत पार्टियाँ आ गई, जिसमें से कि युवाओं की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और BSP जो मान्य और कांसीराम ने बनाई है, जिसपे बहन मायावती ने राज भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि संविधान की बात करते दलितों और मुस्लिम की बात करके आप कितनी सीट ला सकेंगे? देखिए, ये दोनों समुदाय 15-20% है हर जगह, अकेला कोई भी समुदाय इस पोजीशन में नहीं है कि वो सत्ता परिवर्तन कर सके या सत्ता में काबिज हो सके। इनकी दोनों की मजबूरी है कि जब दोनों साथ मिलेंगे तभी सत्ता परिवर्तन होगी। अब आपने कहा कि दलितों में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो मैं बता दूं कि मुसलमानों में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन सवाल नेतृत्व का है। ना दिल्ली में किसी भी दलित पार्टी के पास नेतृत्व है, ना मुसलमानों में MIM के अलावा किसी और पार्टी के पास नेतृत्व। सिर्फ एक ऐसा नेतृत्व जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में, जो दलितों को भी नेतृत्व देता है, मुसलमानों को भी देता है। तो ये दोनों तबकों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि एक ऐसा नेता मौजूद है जो दोनों समुदाय की या दोनों तबकों की आवाज़ सदन में पिछले 10-20 साल से उठा रहा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।